सामईन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज ईद मिलादुन नबी यानी हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इस मुबारक मौके पर आप हजरात की खिदमत में तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं का गाया हुआ एक बहुत ही हसीन कैसेट पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ईद मिलादुन नबी हुजूर की पैदाइश। लीजिए हजरात, टी सीरीज का ये बेमिसाल नजराना आप हजरात की खिदमत में पेश है। फनकार तस्लीम आरिफ, कलाम हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वजीर गंजवी का है और म्यूजिक उमर खान का है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, के अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला, दुशंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला कैसे। समाज फरमाए, सना ख्वाबा अकीदत मेरा ख्वामा है मोहम्मद का, सना ख्वाबा अकीदत मेरा ख्वामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का। सुना बाबा अकीदत मेरा खामा है मोहम्मद का, शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का। तबारक ताला ने हुजूर सरवरे कायनात का नूर कब पैदा फरमाया, शुरू से आखिर तक का ये वाकया समाप्त कीजिएगा। समय खुदा ने नूर से अपने जुदा कुछ नूर फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा का नूर उसका नाम ठहराया, रहा वो मुख्तलिफ सूरत से अल्लाह की इबादत में, सितारा बन के मुद्दत तक
भटक रहा वो बज़्मे खिलवत में, कभी कंदील में पहुंचा कभी ताऊस में आया, कभी दरियाओं में उसने इबादत का मजा पाया। गरज उस नूर से तखलीक की, रब ने दो आलम की, जमीनो आसमां की, चांद सूरज अर्शे आजम की, बनाई कायनाते दो जहां उस नूर से दम में, मलक जिन्नो बशर जाहिर हुए इस बज़्मे आलम में, बनाया खाक का पुतला खुदा ने अपनी हिकमत से, उसे फिर जिंदगी बख्शी यकायक शान कुदरत से। वो पुतला हजरत आदम का जब तखलीक में आया, तो नूरे मुस्तफा पेशानी आदम में पहुंचाया, दिया फिर हुक्म हूरों को सभी जिन्नों फरिश्तों को, पाए ताजीम फौरन सामने आदम के झुक जाओ, बहुक्मे किबरिया सबने झुका दी अपनी पेशानी, मगर इबलीस ने ये बात खालिक की नहीं मानी। नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, 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 निकाला खुल्द से डाला गले में तो बुलाना, अल्लाह ने उसको बगावत का, आदम का पुतला जब तैयार हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म किया कि आदम को सजदा करो, लेकिन सबने सजदा किया, इबलीस ने नहीं किया, अल्लाह ताला ने उसको लानत का तौब दिलवा कर प्राण दरगाह कर दिया। उसके बाद क्या होता है समाज फरमाए, सभी मखलूक से दर्जा बड़ा आदम का ठहराया, दिया ताजे खिलाफत फिर उन्हें जन्नत में पहुंचाया, कहा आदम से सारी नेमतें जन्नत की तुम खाना, मगर एक शजरे गंदुम तक कभी हरगिज नहीं जाना, अगर लग्ज़िश हुई तुम से तो खिलअत अपनी ले लेंगे, यकी जानो तुम्हें जन्नत में हम रहने नहीं देंगे, सुकूनो चैन से जन्नत में जब रहने लगे आदम, तो फिर डसने लगा उनके लिए तन्हाई का आलम, कहा आदम ने या रब खूब है गुलजार जन्नत का, मगर तन्हाई के बाइस हमारा जी नहीं लगता, तो फिर आदम की
पाई पसली से हवा हुई पैदा, जवां एकदम हुई सूरत में थी लासानियों यकता। खुली जब आंख आदम की उन्हें देखा हुए शैदा, खुदा के हुक्म से बाहम हुआ फिर अब्द दोनों का। बड़े ऐशो मसरत से वो फिर रहने लगे दोनों, बहारे बाग जन्नत के मजे लेने लगे दोनों। हसद की आग ने इबलीस को बेचैन कर डाला कि मैं नारी हूँ, आदम ने ये कैसे मर्तबा पाया कि मैं नारी हुआ, आदम ने पाया मर्तबा आला। मेरी बर्बादी का बाइस यही है खाक का पुतला, बहुत कुछ सोच कर इबलीस शैतान एकदम उछला। जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हम बहरा हद से, जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हम बहरा हद से, जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हम बहरा हद से, जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हम बहरा हद से, किसी सूरत से बहका कर निकलवाऊंगा जन्नत से, निकलवाऊंगा जन्नत से, किसी सूरत से पैदा कर निकलवाऊंगा जन्नत से। आदम से जलने लगा और उसने ये ठान ली अपने दिल में कि मैं इस खाक के पुतले को जन्नत से निकलवा कर ही छोड़ूंगा। आगे क्या होता है सुनिएगा सामई। तमन्ना थी करूं जल्दी मैं अपना मुद्दा हासिल, ज़ईफा बन के फितरत से हुआ जन्नत में वो दाखिल। उसे हब्बा मिली आदम गए थे सैरे जन्नत को, हुआ इबलीस खुश अब दम में लाऊंगा औरत को। करीबे हब्बा जाकर ये कहा मालूम है तुमको, मना फरमाया है किस वास्ते इस शजरे गंदुम को। कहा हब्बा ने हमको क्या खबर इसका सबब क्या है, हमें तो पास जाने के लिए अल्लाह ने रोका है। कहा शैतान तुम दोनों जो दाना इसका खाओगे तो जन्नत से कभी हरगिज निकाले तुम ना जाओगे, इसी बाइस तुम्हें रोका गया है पास जाने को। कहीं तुम खाना लो इस शजरे अजूबा के दाने को, नहीं है पास जाने की इजाजत तुम नहीं जाओ। समर हम ला के देते हैं इसे तुम शौक से खाओ, किसी सूरत पे शौहर को भी तुम अपने खिला देना, हमेशा दोनों फिर इस बागे जन्नत के मजे लेना। ये कहकर ला के गंदुम दे दिया हब्बा के हाथों में,
खिलाया आधा हब्बा के लिए फिर बातों बातों में बड़ी लज्जत थी उसमें और बहुत शीरी मजा पाया इसी से आधा आदम के लिए महफूज फरमाया जब आए हजरते आदम दिखाया खाने को दाना कहा आदम ने हुक्मे रब है इसके पास ना जाना वो बोली हाँ हमें रोका गया है पास जाने को मगर इनकार फरमाया नहीं रब ने ये खाने को रब हब्बा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना रब हब्बा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना रब हब्बा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना रब हब्बा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना निकाला रब ने जन्नत से दिया दुनिया का खिलाना निकाला रब ने जन्नत से दिया दुनिया कभी दाना निकाला रब ने जन्नत से दिया दुनिया कभी दाना से उस शैतान ने इबलीस ने बीबी हव्वा को बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी बीबी हव्वा ने वो आधा दाना खिला दिया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत से निकाल दिया अब क्या होता है सुनिएगा खता पर अपनी आदम मुद्दतों रोते रहे आकर जुदा हव्वा से थे खौफे खुदा से कल्ब था मुजतर खता फिर बख्श दी रब ने वसीले से मोहम्मद के मिलाया फिर खुदाए पाक ने आदम को हव्वा से मिला दिल को सुकून सर से घटाएं हट गई गम की पड़ी फिर इस जहां में खूब तर औलाद आदम की वो जो नूरे नबी पेशानी आदम में आया था उसी के सदके में आदम ने हर एजाज पाया था वो नूरे मुस्तफा फिर शीश की पेशानी में आया उसी ने आपका सारा बदन खुशबू से महकाया जिसे रखा खुदाए पाक ने बुनियाद आदम में वो नूरे मुस्तफा चलता रहा औलादे आदम में किसी से नूह और इदरीस को मशहूर फरमाया उन्हीं ने यूसुफ याकूब का गम दूर फरमाया उसी ने यूसुफ याकूब का गम दूर फरमाया वसीले से उसी के हो गए मूसा कलीमुल्ला उसी ने कर दिया आतिश कदा नमरूद का ठंडा हुई सब आग इब्राहिम पर गुलजार जन्नत का तो इस्माइल और ईसा को मिला दर्जा नबूवत का गरज ये नूर नबियों में रहा ईसा के आने तक
उसी ने सबको पहुंचाया है रहमत के दहाने तक। वो नूरे मुस्तफा था जिसने सब एजाज दिखलाए, वो नूरे मुस्तफा था जिसने सब एजाज दिखलाए, वो नूरे मुस्तफा था जिसने सब एजाज दिखलाए, वो नूरे मुस्तफा था जिसने सब एजाज दिखलाए। और वसीले से उसी के हर नबी ने मोजज़े पाए, वसीले से उसी के हर नबी ने मोजज़े पाए, वसीले से उसी के हर नबी ने मोजज़े पाए। सिलसिला ये नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत ईसा अलैह सलाम तक आया, उसके बाद क्या होता है सुने। मगर जब कर गए सारे पैगंबर पूछ दुनिया से, तो फिर इबलीस ने दुनिया में अपने पैर फैलाए, हुआ फिर दौर दौरा कुफ्र बातिल का जहां भर में, खुदा को भूल कर इंसान पड़े शैतान के चक्कर में, अरब की सरजमी पर रात दिन वो जुल्म होते थे। कौन कौन से जुल्म होते थे हुजूर के आने से पहले समाप्त कीजिएगा। अरब की सरजमी में रात दिन वो जुल्म होते थे के अपनी बेबसी पर चार सू मजलूम रोते थे, यकीन बिल्कुल ना था इंसान को अल्लाह की कुदरत पर, गुरूर ओ नाज था हर एक को बस अपनी ताकत पर, शराब उनकी गिजा थी और जुआ था मशगला उनका, बुरे कामों ही से रहता था हर दम वास्ता उनका, मुसाफिर कोई मिल जाता तो उसको लूट लेते थे, जरा भी हौसला करता तो उसको मार देते थे, गरीबों के लिए तो पेट भर रोटी न मिलती थी, जो थे मजदूर उनको अपनी मजदूरी न मिलती थी, न था उन जालिमों के दिल में कुछ पासे हयादारी, जबरदस्ती किया करते थे वो दिन में जिनाकारी, सताया करते थे दिन रात कमजोरों जईफों को, बहुत दुश्वार था उस दौर में जीना शरीफों को, बनाया था जो इब्राहिम इस्माइल ने काबा, वही अल्लाह का घर सैकड़ों इस नाम का घर था, वो जालिम अपनी जिंदा लड़कियों को गाल देते थे, वो जालिम अपनी जिंदा लड़कियों को छीन लेते थे, गरीबों बेकसों की लड़कियों।
ये ढंग थे उन लोगों के, लेकिन आगे क्या होता है सुनेगा। अदब आदाब शफकत से न था कुछ वास्ता उनको, भला लगता था जुल्म जो रुसी पर नाज था उनको, न बेटी बहन की असूमत न माँ बापों की इज्जत थी कि अपने नफ्स के आगे किसी की कुछ न कीमत थी। इसी बाईस जमाना आ गया था खुशकुशाली का कि रिश्ता कट गया हर पेड़ पर पत्तों से डाली का, मवेशी भूख से लागर हुए तो दूध भी सूखा, परिंदों के लिए दिन में कहीं साया ना मिलता था, तमाजत धूप की इतनी बड़ी जलने लगी धरती, कफे अफसोस अपने जान पर मलने लगी धरती, यतीमों और बेवाओं ज़ईफों ने भरी आहें, हुआ दुश्वार जीना भूख से जाने लगी जाने, जफाओ जुल्म से सारे जहां में आग जल उठी, तो इसको देख कर रहमान की रहमत मचल उठी, वो नूरे मुस्तफा करता रहा जो नूर अफशानी, उसी से जूफिजा की रब ने अब्दुल्ला की पेशानी, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। सामईन, इस तरीके से हमारे हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से कर देते हैं, उसके बाद वो नूर हजरत बीबी आमना के शिकम में आ जाता है, और आगे क्या होता है सुनिएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी, अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी, शिकम में माँ के महबूबे खुदा तशरीफ ले आया, घटा रहमत की उठी और जम कर मीना बरसाया, जमीने मखमली सब्जे का एकदम पैरहन पाया, सुहानी बदलियां उड़ने लगी मौसम हंसी आया, दरख्तों ने नहा कर यूं लिबासे फाखरा पहना, चमन की डालियों ने आज पहना फूलों का गहना, तराने हम्द के गाए परिंदों ने मगन होकर, सना की अपने खालिक की गुलों ने कंदाजन होकर, मवेशी परवाहों कर देते हैं अब दूध कसरत से, उछलते हैं चरागाहों में अब फरते मसरत से,
हुए सहरा भी गुलशन बाग आलम की फिजा बदली। बहारें आ गई बादे सबा ने भी अदा बदली। सबा इट खेलियां कर करके ये ऐलान करती है जिमी को सैर को अब हूर जन्नत से उतरती है। हुई हर फसल ऐसी हो गई इफरात गल्ले की। खजूरों और कुर्मों से हुई घर घर में खुशहाली। खुशी का नूर यूं आया नजर फिर सबके चेहरे पर। बरसती है खुशी जैसे कि हर नौशा के सेहरे पर। किसी को भी नहीं मालूम ये क्यों इनकलाब आया। गया कहरो गजब अमनो अमा का छा गया साया। निदा आई कहे दम ईद है दुनिया के मकसद की। निदा आई कहे दम ईद है दुनिया के मकसद की। निदा आई कहे दम ईद है दुनिया के मकसद की। निदा आई कहे दम ईद है दुनिया के मकसद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। निदा आई कि ये तमहीद है दुनिया के मकसद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। कैसे करें सब नाज किस्मत पर के वो वक्त आने वाला है। मेरा महबूब दुनिया को मसरत लाने वाला है। वो बनकर रहमत लिल आलमी दुनिया में आएगा। स्याही कुफ्र बातिल की जमाने से मिटाएगा। यतीमों और बेवाओं ज़ईफों की खबर लेगा। वो अखलाक़ो मोहब्बत से जहां को अपना कर लेगा। हयाते जाविदा कहिए जिसे वो जिंदगी देगा। मेरे भटके हुए बंदों को ज़ौक़े बंदगी देगा। सबक देगा जहां वालों को आकर भाईचारे का। सहारा बन के आएगा वो हर एक बेसहारे का। उजाला सब में कर देगा वो तौहीदे रिसालत का। अंधेरा दूर कर देगा जमाने से जिहालत का। तो आलम में सभी से बढ़ के उसका मर्तबा होगा। वो खत्मुल मुरसली होगा इमामुल अंबिया होगा। उसे दोनों जहां का मालिक और मुख्तार कर देंगे। तुम्हें शफात करने का हकदार कर देंगे। कयामत में शफात करने का हकदार कर देंगे। कयामत
दोनों जहां का मालिको मुख्तार कर देंगे, कयामत में शफात करने का हकदार कर देंगे। ये सुनकर क्या होता है, निदा सुनकर जमीनों आसमां पर वज्द तारी था, मसरत थी जमाना आएगा महबूबे बारी का, बिशारत आमुना भी को यही हर माह पहुंचाई, करो तुम नाज किस्मत पर के माँ हो एक पयंबर की, अभी कुछ माह गुजरे एक ऐसा वक्त भी आया के अब्दुल्लाह ने एक दिन जहां से कूच फरमाया। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में ही हैं, और इसी दौरान आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ अल्लाह की ये खास मर्जी थी कि दुनिया में कोई पैदा न हो महबूब का सानी, जवां बेटे का अब्दुल मुत्तलिब को इस कदर गम था के बेटे के बिछड़ जाने से एक सकते का आलम था, मनाया सोग अब्दुल्लाह की माँ ने बहुत भारी, जवां बेटे के गम में आंख से आंसू रहे जारी, मगर जब ये खबर पाई बहू है माँ पैगंबर की तो गम जाता रहा निकली सदा अल्लाह अकबर की, किसी ने घर में अब्दुल मुत्तलिब से ये कहा आकर, यमन से अबरहा लाया है लश्कर देख लो जाकर, सुना जाता है हमला करके वो काबे को गिराएगा, सुना जाता है करके काबे को गिराएगा, सुना जाता है हमला करके काबे को गिराएगा, सुना जाता है हमला करके काबे को गिराएगा, तो उसमें संग अस्वद है उसे वो लेके जाएगा, कोई आकर अब्दुल मुत्तलिब से यानी आपके दादा से कहता है कि यमन से अबरहा लश्कर लेकर आ रहा है और उसका इरादा काबे को गिराने का है और जो यहाँ संगे असलद है काबे के अंदर वो ले जाएगा, ये खबर सुनकर आपके दादा क्या करते हैं सुनिएगा, खबर सुनकर ये अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ रब से, करूं अब क्या अकेला लड़ नहीं सकता हूं मैं सबसे, शिकम में आमुना के है जो हस्ती उसके सदके में, न आने दे तू काबे को किसी दुश्मन के नरगे में, दुआ मांगी जो अब्दुल मुत्तलिब ने चश्मे नम होकर, वसीले से मोहम्मद मुस्तफा के सर्वखम होकर, दुआ उनकी खुदाए पाक ने मकबूल फरमाई, चढ़ाई अबरहा ने की तो ये सूरत नजर आई, चला काबे की जानिब
हाथियों का जिस घड़ी लश्कर, अबाबीलों ने रब के हुक्म से बरसा दिए कंकर। वो कंकर हाथियों पर जब गिरे सब मर गए हाथी, मिसाले भूसा हालत हो गई पल भर में लश्कर की। इरादा हो गया नाकाम जब काबा गिराने का, तो सूझा अब रहा तो रास्ता घर भाग जाने का। बड़ी इबूरत है इसमें देखो ये कुदूरत है अल्लाह की, बड़ी इबूरत है इसमें देखो ये कुदूरत है अल्लाह की, बड़ी इबूरत है इसमें देखो ये कुदूरत है अल्लाह की, बड़ी इबूरत है इसमें देखो ये कुदूरत है अल्लाह की। ये नन्ही नन्ही चिड़ियों ने पना कर डाल सब हाथी, के नन्ही नन्ही चिड़ियों ने पना कर डाल सब हाथी, के नन्ही नन्ही चिड़ियों ने पना कर डाल सब हाथी। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने फना कर डाले सब हाथी, अब रहा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, क्योंकि आपके दादा ने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता दिया था अल्लाह ताला को, उनके वसीले से काबे की हिफाजत होती है। समाज कीजिएगा आगे क्या होता है। सुनो अब आमुना का हाल उनके घर में रौनक थी, के आमद होने वाली शहनशाह दो आलम की, सलामी दे रहे थे चांद तारे आमुना पी को, मुबारकबाद देते थे नजारे आमुना पी को। पयंबर हर महीने आके खुशखबरी सुनाते थे उन्हें, हर दम ये सोते जागते इल्हाम आते थे। सुनो ऐ आमुना भी तुम बड़ी तकदीर वाली हो, जहां भर की तमामी औरतों में सबसे आली हो। पयंबर तुमसे पैदा होंगे अब कौनों मकां वाले, कहेंगे तुमको उम्मुल मुस्तफा सारे जहां वाले। खुदाए पाक के बंदों में वो सबसे सिवा होंगे, शहे हर दो सरा होंगे वो महबूबे खुदा होंगे। ये खुशखबरी उन्हें नौ माह तक मिलती रही यूं ही, खुदा के फजल से दिल की कली खिलती रही यूं ही। दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले, दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले, दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले, दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले। बरसते थे खुदा की रहमतों पे नूर के झाले, बरसते थे खुदा की रहमतों के नूर के झाले, बरसते थे खुदा की रहमतों के नूर के झाले।
खुदा की रहमतों के नूर के झाले। आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा पैदाइश रसूल का। खुदा का हुक्म था सब आमना के घर पे हूँ हाजिर, मेरे महबूब की ताजीम इस्तकबाल की खातिर। रबीए पाक का अफजल महीना बारहवीं शब थी, दुशंबे की सुबह सादिक वो बिल्कुल ही करी शब थी। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में बारहवीं तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दोनों जहान के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हवाएं आ रही थी भीनी भीनी बागे जन्नत से, तराने गा रही थी बुलबुलें जोशे मसरत से। इधर या सैयदुल कौनैन की आवाज आती थी, जिमी अपने मुकद्दर पर नहीं फूले समाती थी। निदा आई अदब मलहूज अब होशियार हो जाओ, मेरे महबूब की ताजीम को तैयार हो जाओ। जमाना मुंतजर था जिसका वो साथ भली आई, अजब एक नूर चमका जिसने दुनिया सारी चमकाई। सलामी सब ने दी ऐ शौक सब ने गीत ये गाए, सलामी सब ने दी ऐ शौक सब ने गीत ये गाए, सलामी सब ने दी ऐ शौक सब ने गीत ये गाए, सलामी दी ये सब ने सलामी, सलामी दी ये सब ने शौक सब ने गीत ये गाए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सलामी सब ने दी ऐ शौक सब ने गीत ये गाए, सलामी सब ने दी ऐ शौक सब ने गीत ये गाए, सलामी दी ये सब ने शौक सब ने गीत ये गाए, सलामी सब ने दी ऐ शौक सब ने गीत ये गाए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा, मुबारक हो मोहम्मद सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसका बोरिया बिस्तर बिछाना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ऐ शहे कौनो मका मेरा जिके दूला सलाम, ऐ शहे कौनो मका मेरा जिके दूला
सलाम है हबीबे किबरिया है सरवरे आला सलाम है हबीबे किबरिया है सरवरे आला सलाम है शहे कौनो मका मेराज के दूला सलाम खूबियों वाले नबी हो खूब हो तुम खूब हो नूर वाले हो खुदा के नूर से मनसूब हो है खुदा तालिब तुम्हारा और तुम मतलूब हो दो जहां के पेशवा अल्लाह के महबूब हो हक भी तुम पर भेजता है ऐ शहे वाला सलाम हक भी तुम पर भेजता है ऐ शहे वाला सलाम ऐ शहे कौनो मका कदर खुश आपसे आका खुदा की जात है आप दिन कह दें तो दिन है रात कह दें रात है आलम मालिको मौला सलाम रौनके बस में दो आलम मालिको मौला सलाम ऐ शहे कौनो मका मेराज के दूला सलाम आपकी खातिर खुदा ने दो जहां पैदा किए सबसे बढ़कर मर्तबे बस आपको रब ने पर भेजता है आप पर ये आपका मंगता सलाम भेजता है आप
आपका मंगता सलाम। ऐ शहे कौनो मका रसूल मेराज के सलाम मेरा।